Hello students, today I will explain about articles. What is the meaning of articles? Where we use the articles? Okay, articles कौन कौन से होते हैं? थ्री होते हैं ना, ए एंड द. ठीक है, आर्टिकल्स की डेफिनेशन है, आर्टिकल्स आर बेसिकली अ टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स. जो डिटर्मिनर्स होते हैं उसी में ही हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बट दिस इज अ सेपरेट चैप्टर ऑफ आर्टिकल्स. डिटर्मिनर्स कवर्स मैनी क्लासेज ऑफ वर्ड्स इन विच देयर आर आर्टिकल्स. मतलब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं डिटर्मिनर्स में, उन्हीं में एक आर्टिकल्स भी होते हैं. इसमें डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स, एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव. मतलब इसमें हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, डिटर्मिनर्स में एडजेक्टिव्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ेंगे. देयर आर थ्री मेन आर्टिकल्स. यहाँ पर मेन थ्री आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द. दीज थ्री आर्टिकल्स कैन बी डिवाइडेड इन टू क्लासेस. हम इनको टू क्लास में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है डेफिनेट, डेफिनेट होता है द, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एंड. ओके, अब हम देखेंगे कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द. द के बारे में एक बात और कहनी है कि द टू टाइप से बोला जाता है, द एंड दी. कहीं हम दी बोलते हैं, कहीं हम द बोलते हैं. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोनंसिएशन ऑफ दी एंड द. दी बोला जाता है विच वर्ड स्टार्ट विद वोवल साउंड. जो वर्ड वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हम दी बोलते हैं, एंड विच वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड उनसे पहले हम द बोलते हैं. जैसे लिसन केयरफुली, द पेन, द ईयर, द ऑनेस्ट. क्योंकि ऑनेस्ट वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो द ऑनेस्ट आएगा. द एलिफेंट, द एंड. जैसे किसी का एंड होता है तो हम कहते हैं ना द एंड थोड़ी बोलते हैं, द एंड हो गया है नहीं. द हाउस, क्लियर हुआ. विच वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट हाउस कॉन्सोनेंट साउंड वेयर वी स्पीक द, एंड विच वर्ड स्टार्ट विद वोवल साउंड वेयर वी यूज द. क्लियर. चलिए अब हम देखते हैं कि द हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. There are following common rules of using definite articles. The का use कहाँ कहाँ होता है. इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, the का use हम वहाँ करते हैं जैसे जिसको हम जिस noun या pronoun को हम पहले से जानते हैं, जिस चीज़ को उससे पहले हम the use करते हैं, और जिसको हम पहले से नहीं जानते हैं वहाँ हम a या an use करते हैं. जी क्लियर. द इज़ यूज बिफोर अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. द का यूज़ बिफोर अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक, जो पर्टिकुलर पर्सन या कोई पर्टिकुलर थिंग होती होगी हम उससे पहले द यूज़ करेंगे. जैसे अब ये है, लेट अस गो टू द क्लब. अब वो क्लब के बारे में पहले से जानता है इसलिए उसने बोला द क्लब, मतलब उसी क्लब में जाना है. और अगर हमें नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है तो हम कहेंगे आई एम गोइंग टू अ क्लब, है ना. दिस इज द बॉय हु वन लास्ट मैच. ये वही बॉय है जिसने पहला मैच जीता था. ठीक है, और इसमें अगर हमें ये नहीं पता कि बॉय कौन है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ बॉय. फिर तो हम दिस इज अ बॉय बोलेंगे, लेकिन हमें पता है कि वही लड़का है जिसने पहले मैच जीता था. क्लियर. नेक्स्ट है, द यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग यूनिक और ऑफ देयर काइंड. जो वर्ल्ड में केवल एक चीज़ है, एक ही है पूरे में, जैसे द अर्थ, द वर्ल्ड, द सन. ठीक है, तो यहाँ पर हम द यूज़ करेंगे. द यूज्ड बिफोर नेम ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन मतलब जो दिशाएँ होती हैं, एंड डेट्स ऑफ मंथ्स. मंथ्स के डेट से पहले हम द यूज़ करते हैं. जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट. ऐसे बोलते हैं ना, तो ईस्ट वेस्ट इससे पहले हमने द लगाया. आई गॉट माई ड्रीम जॉब ऑन द 10th ऑफ मे. हम ऑन द बोलेंगे 10th ऑफ मे से पहले, मतलब डेट से पहले हम द का यूज़ करेंगे.
इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ रिवर्स, सीज, कैनल्स, ओशंस, वैलीज, डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट, इन सब के नेम से पहले हम द यूज करेंगे, द अटलांटिक ओसेस, द गंगेज, ओके। द इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, जो माउंटेन के नेम्स होते हैं जैसे द हिमालयाज, द एप्स। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, ये प्लूरल है तो हमने द यूज़ किया है। इफ़ वी इट इज़ द सिंगुलर फॉर्म देन वी विल नॉट यूज द, नेवर यूज द बिफोर नेम्स ऑफ सिंगल माउंटेन्स और हिल्स, ओके। सिक्स है, द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। यू नो व्हाट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री? हम एडजेक्टिव में पढ़ते हैं सुपरलेटिव, दिस इज़ द फास्टेस्ट बॉय, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, है नहीं? तो हम हमेशा जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले द यूज़ होता है। यू आर द बेस्ट बॉय इन माई क्लास, कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट। सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज यूज विद द यूज ऑफ द, ओके। द इज यूज बिफोर अ होल क्लास, होल क्लास मीन्स जैसे पूरी जाति के लिए, जो हम जैसे हम कहते हैं द काउ इज अ पैट एनिमल। अब हम जब द काउ जो बोल रहे हैं, हम किसी एक काउ के लिए तो नहीं बोल रहे ना, जितनी भी काय हो मतलब काउ होती हैं, हम सब के लिए बोल रहे हैं कि द काउ इज़ अ पैट एनिमल। इसमें किसी एक काउ की बात नहीं हो रही, पूरी जितनी भी काउ जाति होती हैं सब के लिए बोला है। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, सभी हॉर्स तेज दौड़ते हैं, ये सभी हॉर्स के लिए बोला गया है कि द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। नेक्स्ट है, द इज़ यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ रेसेस और नेशन, जो नेशन होते हैं उनसे पहले भी हम द यूज़ करते हैं। द इंग्लिश रूल्ड ओवर द इंडियंस, द इंग्लिश रूल ओवर द इंडियंस, इंडियंस क्या हो गया भारतीय और इंग्लिश हो गया नेशन। द मुस्लिम्स बिलीव इन द कुरान, जो हमारी धार्मिक पुस्तक होती है उनसे भी पहले हम द यूज़ करते हैं, और जो मुस्लिम हमारा वो आगे जाती उससे भी पहले। द इज़ यूज बिफोर नेम ऑफ न्यूज़पेपर, होली बुक्स, होली बुक्स मतलब जो धार्मिक पुस्तक होती हैं, फेमस बिल्डिंग्स, शिप्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, इन सबसे पहले। आई रीड द हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर के नेम से पहले द लगेगा। होली बुक हमारी रामायण है तो द रामायण इज़ अ फेमस बुक, इससे पहले भी द लगेगा। द इज़ यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मैंने नाउन में बता चुकी हूँ आपके, जो प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, कॉमन नाउन, ये डिफरेंस मैंने नाउन में समझाया था। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, आवश्यक नाउन एंड मैट्रियल नाउन टू मेक देम कॉमन नाउन। जब हम इनको कॉमन नाउन बनाते हैं तो इनसे पहले हम द लगाते हैं। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखो, जैसे शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है ना, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन हम यहाँ इसको, हमने इसको कॉमन नाउन बना दिया कि कालिदास भारत का शेक्सपियर है, तो वो शेक्सपियर थोड़ी बन, मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि कालिदास भारत का शेक्सपियर की तरह है, ठीक है। द मिल्क ऑफ आवर डेरी इज़ प्योर, द मिल्क, अब ये हमारा कौन सा नाउन है, मिल्क मैटेरियल नाउन है, ओके। अब हमने इसको यहाँ क्या लगा दिया, द लगा दिया, द मिल्क ऑफ आवर डेरी, ठीक है। द इज़ यूज बिफोर नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं हम उनसे पहले द लगाते हैं। रानी प्लेज द गिटार, रंजन प्लेज द हारमोनियम, तो इनसे पहले द लगाए। द इज़ यूज बिफोर नेम ऑफ इन्वेंशन, द बाटर, हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न, द इन्वेंशन है टेलीविज़न, तो हु इन्वेंटेड मतलब टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। द इज़ यूज बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उससे पहले। ही वॉज हिट बाय द रोड इन द बैक, द बैक हो गया। ही गॉट एन इंजरी इन द हेड, उसके इंजरी क्या हुई, हेड में हुई, तो हेड से पहले द लग गया। द इज़ यूज बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, इनसे पहले भी द लगता है। द कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, इस तरह से, ठीक है। ये तो हो गया कि कहाँ हम द लगाते हैं। अब मैं कुछ ये बताना चाह रही हूँ कि जहाँ हमें द नहीं लगाना होता, जैसे बिफोर द नेम ऑफ डिसीज़, जो डिसीज़ होती है हमारी बीमारियाँ होती हैं, बीमारियों के नाम से पहले द नहीं लगता। लैंग्वेज, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज वी नेवर यूज़ द
लैंग्वेज जो होती है हिंदी इंग्लिश तेलुगु इनसे पहले द नहीं लगता, बिफोर द नेम ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे नेम होते हैं रोहन मोहन सोहन, तो इनसे पहले कभी द लगता है क्या? नहीं लगता ना, इनसे पहले भी द नहीं लगता, और कंट्री के नेम से पहले द नहीं लगता। ठीक है, तो इन सबसे पहले द नहीं लगता, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इनडेफिनिट आर्टिकल। ये तो था हमारा डेफिनिट आर्टिकल द, अब है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? इसमें टू वर्ड्स होते हैं ए और एन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द यूज़ ऑफ ए एंड एन? इन दोनों के यूज़ में डिफरेंस क्या है? ए एन आर नोन एज इनडेफिनिट आर्टिकल्स, ये तो ठीक है, बिकॉज बोथ आर यूज टू पॉइंट विच आर नॉट स्पेसिफिक नाउन। ये कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं होते हैं, मतलब प्रॉपर नाउन नहीं होते हैं, जैसे अ मैन, एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एन एग। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ए जो हो काउंटेबल थिंग्स होती हैं उनसे पहले हम ए या एन लगाते हैं जो काउंटेबल होती हैं, जैसे यूज़ ऑफ ए। यूज़ ऑफ ए, ए कहाँ यूज़ करेंगे? ए इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट। यू नो व्हाट इज़ द वोवल्स एंड व्हाट इज़ द कॉन्सोनेंट? देयर आर फाइव वोवल्स इन अवर ए टू जेड। फाइव वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, फाइव वोवल्स होते हैं। ठीक है, और हमारे 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। क्लियर, तो जो हम ए जो यूज़ करते हैं बिफोर द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, मैं अल्फ़ाबेट नहीं बोल रही कौन, मैं कह रही हूँ साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, जो वर्ड कॉन्सोनेंट की साउंड से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हम आ यूज़ करते हैं। और ये जो ए होता है इसे ए नहीं बोलते, इसे आ बोलते हैं, आ। ठीक है, ये ए जब हम अकेले ए पढ़ते हैं, सिंगल ए होता है तो उसको आ बोलते हैं, और जब किसी वर्ड के साथ वैसे यूज़ होता है वर्ड्स के अंदर तो उसकी प्रोनाउंसिएशन उसके अकॉर्डिंग होती है, लेकिन जब सिंगल ए होता है तो उसको ए नहीं बोलते, आ बोलते हैं। आ इज़ यूज बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट, जैसे अ न्यूज़, अ पेशेंट, अ कप। आई यूज बिफोर द वर्ड्स विच बिगिन विद अ वोवल बट हैव अ साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट। मैंने बताया ना, हम साउंड देखते हैं कॉन्सोनेंट की, हम उसकी मतलब वो नहीं देखते कि वो वोवल है या कॉन्सोनेंट है। अब जैसे ये यू है, यू क्या है? हमारा वोवल है ना वोवल, लेकिन इसकी जो साउंड आ रही है आ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू, यूनिवर्सिटी में हम फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या लिखेंगे जब हम हिंदी में लिखेंगे? तो ये आएगा। अच्छा पहले बताओ, आप हिंदी के स्वर और व्यंजन आते हैं? हिंदी में स्वर कौन कौन से होते हैं? जो बोवल होते हैं उनकी जो साउंड होती है वो हिंदी के स्वर की होती है। हिंदी में स्वर होते हैं अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग है, ये होते हैं ना स्वर। तो ये जो साउंड जो होती है वो स्वर वाली नहीं होगी तो हम एन लगाएंगे, अदरवाइज ए लगाएंगे। और जो व्यंजन होते हैं वो काका गागा होते हैं, वो आपको पता ही है। तो अब जो वोवल्स की आवाज़ नहीं आ रही इसमें, यू आ रहा है, ये, अब ये तो स्वर में नहीं होता हिंदी वाले में, इसलिए यहाँ हमने ए लगाया, आ। अब ये भी ई भी हमारा वोवल है, लेकिन हम इसको यूरोपियन पढ़ते हैं, यूरोपियन। जब हम यूरोपियन हिंदी में लिखेंगे तो यह लिखेंगे, यह पे बड़ी ऊ की मात्रा, यू ये लिखेंगे ना, और यह तो स्वर में नहीं है, यह स्वर में नहीं है ना, तो इसलिए हम इसे आ लगाएंगे इससे पहले। ठीक है, नेक्स्ट है यूजेज ऑफ एन। एन का क्या यूज है? एन बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट है। विच वर्ड स्टार्ट विद द साउंड ऑफ वोवल, वर्ड ऑफ वोवल नहीं बोल रही हूँ मैं, साउंड ऑफ वोवल। Which word start with the sound of vowel where we use n? जैसे n is used with words that begin with the alphabet a e i o u. ये तो ठीक है, an orange, an egg, an active. Okay. an is used before the adjective of adjective comes with the noun. जैसे a nice book, an intelligent boy, a good prize. ये एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं, इंटेलिजेंट, नाइस, गुड। एन इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट, जैसे एन एफ आई आर। अब एफ तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमने इससे पहले एन लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि जब हम एफ लिखेंगे हिंदी में, एफ लिखिए ए और फ, एफ लिखा जाएगा तो ए क्या है? ए तो स्वर है ना,
और स्वर को हमने किस में बताया आपको, वोवल वाली साउंड में आता है, तो इसलिए इससे पहले एन आएगा। ऐसे ही एन एम एस सी भी हम जब एम लिखेंगे तो ए आएगा स्टार्टिंग में, आएगा ना एम, ए आएगा ना, तो ए आएगा, इसलिए हम इसमें एन ले। ये साउंड जो दे रहा है ये वोवल की दे रहा है, लेकिन है यहाँ कॉन्सोनेंट, इसलिए हम इसमें एन लगाएंगे। हमें वोवल नहीं देखना, हमें साउंड ऑफ वोवल देखना है। इसीलिए इसी तरह से ए के यूज़ में जहाँ आ यूज़ होगा वहाँ हमें साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट देखना है। क्लियर बेटा? इस तरह से यहाँ पर देयर आर टू एक्सरसाइज फॉर यू, यू विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ठीक है, ओके, हमारी वीडियो कंप्लीट हुई।